पीएम किसान सम्मान निधि योजना का किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए सहकारिता विभाग ने अब कवायद तेज कर दी है। इस मामले में पूर्व सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार की इस योजना को दूसरे राज्यों ने लोकसभा चुनाव से पहले ही लागू कर दिया था। जब विधानसभा का सत्र नजदीक आया तो सरकार को ये योजना याद आ गई और इसके बाद अब किसानों के आवेदन अपलोड करने के खास निर्देश दिए गए। बता दें कि योजना के लिए 15 लाख किसानों के नाम केंद्रीय पोर्टल पर अपलोड करने के लिए सीएस डीबी गुप्ता ने विभाग को खास निर्देश दिए हैं कि योजना में बाकी किसानों के आवेदन 30 जून तक लेकर केंद्रीय पोर्टल पर अपलोड हो जाने चाहिए। मैं एक तो आपको पहले बता दूं कि कोई भी योजना हो, चाहे वो सरकार की, यहाँ पे राज्य सरकार की हो चाहे केंद्र सरकार की, योजनाएं अपने लोगों के लिए, अपने देशवासियों के लिए, जिनको की उसकी आवश्यकता है उनके लिए होती है। और चाहे कोई सी भी सरकार रहे, हमें ये प्रयास करना चाहिए हर सरकार को कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जो योजनाओं से लोगों को लाभान्वित किया जा सके। लेकिन ये दुर्भाग्य रहा है कि आज दूसरे अगर राज्यों को हम देखें, चाहे उत्तर प्रदेश को देखें, मध्य प्रदेश को देखें, महाराष्ट्र को देखें, कि उन्होंने किसान सम्मान निधि के जो पूरा जो भी उनका पैसा आना था, किसानों के खाते में जाना था, वो चला गया और राजस्थान के किसान इससे महरूम है। और आज बार बार जब विधानसभा अब आने वाली है, जुड़ने वाली है विधानसभा, तब ये सरकार चेती है और ये सरकार ने भी इसको निर्देशित किया है, तभी मुख्य सचिव महोदय ने ये आदेश प्रसारित किए हैं। अच्छा होता कि किसी के कहे बिना हम किसान का जितना भी हित में उसके हम कदम उठा सकते हैं, जल्दी से जल्दी उनके खाते में जो हम राशि जमा करा सकते हैं उसको हमें जमा कराना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार अब चेती है और जल्दी जल्दी जो भी सरकार ने जो अब घोषणा की है, हमारा तो ये कहना है उस घोषणा को समय निश्चित समय